नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कनात का मोटो टेस्टर यूज़ करके हम मोटरसाइकिल की बैटरी कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एमरॉन की 5H की एक बैटरी ली हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, रेडी मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो बैटरी का वोल्टेज जो है 12.89, फुली चार्ज बैटरी है। अगर बैटरी डिस्चार्ज रहेगी तो आपको पहले बैटरी चार्ज करके लेने पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। एक बार यहाँ पे एएच कैपेसिटी आएगा, आपको एएच कैपेसिटी सेट करना है। 2.5 से लेके 14 AH तक का सेटिंग दिया हुआ है, आप की दबाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। कितने एम्पियर की बैटरी आपको सेट करना है, यहाँ पे मैक्सिमम 40 AH का रेंज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऊपर जाएंगे, फिर से वो नीचे आएंगे। अभी हमने 5 AH की बैटरी कनेक्ट की है, यहाँ पे मैं 5 AH सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 AH सेट कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट बटन एक बार प्रेस करना है तो टेस्ट ऑन हो जाएगी। तो ट्रिपल स्टेज में टेस्टिंग होगी, यहाँ पे 3 बार लोड टेस्टर बैटरी के ऊपर लोड डालेगा और उसके बाद रिजल्ट शो करेगा। अगर बैटरी अच्छी रहेगी तो गुड करके डिस्प्ले पे शो होगा, और अगर बैटरी आपकी खराब रहेगी तो बैड करके शो होगा। इस तरह से ये अभी तीसरा स्टेज चल रहा है, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 3 टेस्ट खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होगा। अगर बैटरी अच्छी रहेगी तो यहाँ पे गुड लिख के आएगा, अगर बैटरी ख़राब रहेगी तो बैड लिख के आएगा। इस तरह से आप अपनी मोटरसाइकिल की कोई भी बैटरी टेस्टर पे टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।